नमस्कार दोस्तों, वासुगुरु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने लेसन्स बना रहा हूं कि आप जो है बांसुरी किस तरह से बजाएं, किस तरह से सीखें, मैं आपकी पूर्ण रूप से मार्गदर्शन करने की कोशिश कर रहा हूं। और काफी लोग इससे मेरे लेसन्स से जो है काफी लोग सीखने का प्रयास कर रहे हैं और अपने वीडियोस मेरे पास भेजते हैं कि सर आज मैंने ये प्रैक्टिस की। मुझे बहुत खुशी होती है कि कम से कम जो मैंने चैलेंज अपना बनाया था, जो मेरा प्रयोजन था कि मैं जन जन तक अपने बांसुरी बजाने की कला लोगों को सिखाने का प्रयत्न करूँ और लोग उसको सीख रहे हैं और दिन प्रतिदिन लोग इसमें जुड़ते जा रहे हैं, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। तो चलिए दोस्तों, इसी क्रम में मैं आपको ये बताता हूँ कि बांसुरी जो है वो किस तरह से पकड़नी चाहिए, आपकी जो है पैटी की क्या पोजीशन होनी चाहिए और जो है बांसुरी किस तरह से पकड़ी जाए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले चीज, आपको झुक के नहीं बैठना है या किसी साइड में भी आप झुक के ना बैठे। आपकी बैठने की जो पोजीशन होती है इसमें बांसुरी के सुरों पे बहुत फर्क पड़ता है कि आपकी ब्लो जैसे होगी उस तरह से आपके सुर निकलेंगे। तो आप अपने बैकबोन को एकदम स्ट्रेट रखें और किसी चेयर पे बैठ के आप बजाएं, स्ट्रेट बैठाइए या खड़े होकर बजाएं। और बांसुरी को जो है ना बहुत ही झुक के नहीं बजाना है, इसको आप इस तरह रखें और अपने गर्दन को, अपने चिन को काफी नीचे भी नहीं करना, मतलब ये जो है पोर्शन उसको नीचे करके भी नहीं लेना है। आप एकदम स्ट्रेट देखें, एकदम स्ट्रेट आप देखें और बांसुरी को इस तरह से आपको पकड़ना होगा। मतलब ये आपकी जो है हल्की सी बांसुरी जो है थोड़ी सी स्लैंट होनी चाहिए, इससे आपके फिंगर्स उस पर आराम से चल सके और इसका ब्लो जो है इस प्रकार से आना चाहिए। एक मोटी आवाज जो है सब पे आपको ही आनी चाहिए, एक मोटी ब्लो। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से सरगम पे प्रैक्टिस कर रही है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी जो है ये सी नेचुरल स्केल की बांसुरी है। सी नेचुरल स्केल मैं इसलिए रिकमेंड करता हूँ कि इसमें जो है फिंगर्स की पोजीशन जो आपकी होती है नॉर्मल होती है, आपकी ब्लो भी जो है हल्की, इसमें ग्लो का इस्तेमाल होता है। और दूसरी चीज कि आपके जो शोल्डर की पोजीशन है ये भी जो है नॉर्मल होती है। जैसे आप बड़ी बांसुरी बजाएंगे तो आपको फिंगर्स को फैलाना पड़ेगा और उसमें फिंगर्स में दर्द आ जाता है बहुत देर तक बजाने में, और आपको आपकी ग्लो भी ज्यादा लगती है बेस फ्लूट। इसलिए बेस फ्लूट से मैं बिगनर्स को कभी एडवाइस नहीं करता हूँ कि आप बेस फ्लूट से आप बांसुरी सीखिए। पहले आप सी नेचुरल मेलोडी से सीख लीजिए, फिर उसके बाद अगर आपको इससे छोटी बांसुरी बजानी है तो आप छोटी बांसुरी बजा सकते हैं। जैसे सी शार्प है, डी है, डी शार्प है, ई है, एफ है, एफ शार्प है, जी है, तो छोटी बांसुरी बजा सकते हैं। इस तरह से बेस की बांसुरी आए तो आप बजा सकते हैं, जैसे ए बेस है, ए शार्प बेस है, बी बेस है, फिर आपका जी है, जी शार्प है, एफ है, एफ शार्प है, और या ई है। ई को तो वैसे भी कंसर्ट फ्लूट कहा जाता है। और लास्ट देखिए, अगर आपको क्लासिकल बजाना है तो आपको ई बेस बजाना ही बजाना है। तो मैंने अपने मैक्सिमम जो लेसन अपने सी से बना रहा हूँ, अपने से बना रहा हूँ, तो मैं आपको सी नेचुरल से ही सिखा रहा हूँ। देखिए हमारी सी नेचुरल की बांसुरी है। देखिए आपके राइट हैंड के जो ये थ्री फिंगर्स हैं, मिडिल के थ्री फिंगर्स हैं, वन टू थ्री, इसमें ये पोर्शन आप देखिए यहाँ पर ये लाइन है, ये लाइन है, इसके नीचे का जो पोर्शन होता है इससे हमको बांसुरी के होल्स को होल्ड करना है। अब देखिए जैसे आप राइट हैंडर हैं तो राइट हैंड आपका नीचे आएगा, नीचे जो है इसकी थ्री फिंगर्स आपकी इस तरह से आएंगे और लेफ्ट की थ्री फिंगर्स ऊपर आएंगे, मतलब इस तरह से। देखिए ये आपके लेफ्ट की थ्री फिंगर्स आएंगी और इस तरह से राइट की थ्री फिंगर्स आएंगी, और ये जो आपका थंब है इसको आपको नीचे लगाना है, नीचे लगा के और इससे आप इसको ऐसे होल्ड कर सकते हैं। देखिए आराम से इसको आप होल्ड कर सकते हैं और इस तरह से इसको दोनों थंब को नीचे लगाने हैं और इस तरह से आपको इसको होल्ड करना है। और जैसे आपने प्रैक्टिस किया था कि सा मतलब बांसुरी में फूंक कैसे मारनी है, मैंने आपको बताया था इस तरह की एक मोटी ब्लो आनी चाहिए। तो ये तो आपने ब्लो तो उसमें कर लिया, अब आगे सरगम पे हम चलते हैं।
तो ऊपर से थ्री होल्स अपन करेंगे और एक लंबा नोट्स हो जाएंगे सब। ऊपर से थ्री होल्स बंद करेंगे वो हमारा श। उसके बाद में अगर टू होल्स बंद करेंगे तो ये हमारा रे। मध्यम बजाने के लिए मध्यम जो होता है आपका शुद्ध मा और तीव्र मा। तो अगर इस फर्स्ट होल को अगर हम हाफ करेंगे तो ये हमारा शुद्ध मा होगा और इसको अगर पूरा खोलेंगे तो ये हमारा तीव्र मा होगा। तो अभी आप जो है शुद्ध मा की प्रैक्टिस करें, अभी आप शुद्ध होल की प्रैक्टिस करें। इसकी प्रैक्टिस करें, इसके बाद में आपको बताऊंगा जैसे जैसे कि आप सीढ़ियों चढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 उस तरह से आपके लोग का भी प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपको तेज फूंक करनी पड़ेगी। सारे गम पा धा नी सा, जब आप चौगुन का सा बजाएंगे तो वहां पर आपकी फूंक काफी हाई हो जाएगी, काफी तेज फूंकना पड़ेगा। तो इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आप जो है सारे गम ये 400 बजाइए शुद्ध स्वर। अच्छे से प्रैक्टिस करें सारे गाँव, ठीक है दोस्तों। मैं आपको धीरे धीरे और एक एक स्टेप लेके बताऊंगा कि आपको आपके समझ में भी आ जाए और आप जो है अच्छे से बांसुरी बजा पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं सर मैं बांसुरी बहुत देर से बजा रहा हूँ लेकिन मेरे बांसुरी में मिठास नहीं आ रही, मतलब मीठे स्वर नहीं लग रहे हैं, मैं सीधे सीधे बजा रहा हूँ। तो देखिए ये सब छोटी छोटी चीजें जो है, ये जो टेक्निक है, जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं आपके बांसुरी बजाने में मिठास नहीं आएगी। तो बांसुरी में मिठास आनी सबसे आवश्यक है। तो जैसे मैंने आपको बताया सारे गम इसकी आप प्रैक्टिस करें और इसके बाद जो है नेक्स्ट लेसन में आपको बताऊंगा सारे गम के बाद पंचम प ध नि सा ये किस तरह से बजाना है। तो इसकी जब आप प्रैक्टिस कर लें इसके बाद में आरोह अवरोह ये आपको बजाना है। मैं आपके फिंगर्स के एक्सरसाइज के लिए ये लेसन आपको दे रहा हूँ, तो आप ये लेसन की प्रैक्टिस करें सारे गम, ठीक है दोस्तों। चलते चलते अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर ना अच्छा लगे या आपको कोई मदद चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आपको जो है पूरी मदद करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों एक बार मैं आपसे फिर कहूँगा, एक सुरीली अच्छी बांसुरी जरूर लें सी नेचुरल मीडियम की सीखने के लिए, आप किसी कंफ्यूजन में न पड़े अगला बांसुरी सस्ती मिल रही है या माध्यम से आपको सस्ती बांसुरी मिल जा रही है या किसी शॉप में सस्ती मिल जा रही है। देखिए जितनी भी ये लोकल बांसुरियाँ होती हैं इसको आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि सुर उसमें सही आते नहीं है, इसमें इंटरनल ब्रेक्स होते हैं जैसे मैंने अपने और वीडियो सुनता है। तो एक बार तो आपको अच्छी बांसुरी लेनी ही पड़ेगी ताकि आपको सुर की समझ सही हो। अगर आप मुझसे संपर्क करें तो मैं आपको अच्छी बांसुरी दिलाने की कोशिश करूंगा और जिससे आप अच्छे से सीख सकें। तो चलिए दोस्तों चलते चलते मैं आपको जो है एक धुन सुनाता हूँ।